ईयू का वीकली अपडेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिवाइसेज के लिए आता है जो कि चाइना में लॉन्च हुए हैं, उसके बाद वो ग्लोबल या इंडिया में गए हैं। क्योंकि जो इंडिया में या सिर्फ ग्लोबल में है, चाइना में नहीं गया, उनके लिए ईयू का वीकली अपडेट नहीं आता। तो इस वजह से हमारे कई ऐसे डिवाइसेज है जिनको टाइम पे अपडेट नहीं मिलता, लेकिन हमारे पोर्ट रोम के मेंटेनर डेवलपर्स की वजह से हमें उन डिवाइसेज के लिए अपडेट देखने को मिलता है जो कि चाइना में लॉन्च नहीं हुए, जैसा कि हमारा रेडमी का नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स, जिसके लिए एक लेटेस्ट पोर्ट आ चुका है 21.9.8, जिसे फिलहाल मैं मॉर्निंग से यूज कर रहा हूँ, जिसमें आपको 9 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और लेटेस्ट बीटा रोम होने की वजह से आपको कई सारे लेटेस्ट फीचर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं, बताने वाला हूं, और कैसे इसे इंस्टॉल करना है वो भी चीज़ें यहां पे मैं आपको बता दूंगा। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहिए और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और कूल से फीचर्स यहां पे देखने को मिलने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो बोलना मैं भूल ही गया भाई, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाने के लिए शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जब आपके लाइक्स आते हैं, शेयर आते हैं, व्यूज आते हैं ना, तो मन करता है कि हाँ एवरी टाइम हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया करें। ऐसे भी आप कहते हो भाई नोट 10 प्रो के ऊपर वीडियो कम आता है, तो प्लीज़ भाई सपोर्ट दिखाओ, मैं भी बहुत सारे वीडियोज लेके आऊँगा। तो इस अपडेट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि चेंज लॉग के हिसाब से क्या नया मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं अपने MI अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कुछ नया चेंज देखने को मिल जाएगा जो कि इस बार लेटेस्ट अपडेट के अंदर ऐड किया गया है, जो कि आपको लोगों के अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया था वेरिफिकेशन, तो कर लेते हैं एक बार। उसके बाद आप देखो यहाँ पे बैकअप, फाइंड और डिलीट का जो आइकन है ये चेंज हो चुका है, जो कि पहले हमें थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता था। ऐसे और भी चेंज आइकन यहाँ पे नज़र आते अगर आप चाइना रोम यूज करते, तो जबकि ये EU है इसलिए वो चेंज दिखाई नहीं देता। इसके बाद यहाँ पे जो इनका खुद का मेल एप्लीकेशन है उसमें आपको UI में चेंज देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो गया, जबकि पहले काफी स्मॉल एरिया में था, अब पूरे डिस्प्ले पे नज़र आता है, तो ये भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। एक दो चेंज और भी है जो कि EU की वजह से यहाँ पे फिलहाल गायब हो चुका है, जो कि चाइना वाले में हमें देखने को मिलता था। और यहाँ पे आपका जो गूगल डिस्कवर है ये भी काम करता है, साथ साथ होम सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अपने जो MI जो ऐप वॉलेट है इसको भी ऐड यहाँ पे कर सकते हो, जो कि अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है और कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आता। अगर लॉन्चर की बात करें तो अभी आपको ओल्ड UI के अंदर ही देखने को मिलता है, बट लेटेस्ट लॉन्चर आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलता है बिल्कुल ही लेटेस्ट UI के साथ मिलता है, जिसमें फ्रेम रेट आपको 30 FPS देखने को मिल जाता है और वीडियो क्वालिटी 100 MBPS तक देखने को मिलता है, जो कि अच्छे से यहाँ पे आपको वर्किंग दिखाई देता है। बाकी क्लॉक, रिकॉर्डर, कैलकुलेटर वगैरह तो आपको पता ही है कि कैसा हमें देखने को मिलता है। सिक्योरिटी के अंदर भी थोड़ा सा चेंज किया गया था, ये उन यूजर्स के लिए है जिनका डिवाइस काफ़ी हैवी है और फ्लेक्सिबल लेवल टाइप का आ जाता है, जैसे कि Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra वगैरह, तो उनमें यहाँ पे ऐड कर दिया गया है बैलेंस परफॉर्मेंस का फीचर्स, जो कि हमें VN एडिशन में देखने को मिलता था और EU के अंदर भी ऐड किया गया है, बट सपोर्टेबल डिवाइस के लिए, तो हमारा ये डिवाइस सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये देखने को नहीं मिलता। और सेम चीज़ें यहाँ पे दिखाई देता है चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन का फीचर्स, जो कि हमारे डिवाइस के अंदर ऐड नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता, ओनली टास्क मैनेजर वगैरह है। और कुछ छोटे मोटे बग्स है क्लीनर से रिलेटेड, वो चीज़ें यहाँ पे फिक्स कर दी गई है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्लीन मास्टर के जगह आप टेंसेंट वगैरह को ऐड कर लेते तो एरर वगैरह देखने को मिल रहा था, तो वो चीज़ें यहाँ पे ऑप्टिमाइज और फिक्स कर दिया गया है। इस अपडेट के साथ आपको मिल जाता है लेटेस्ट वीडियो टूल बॉक्स, जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट यहाँ पे UI देखने को मिलता है, जहाँ पे डॉल्वी का और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलेगा। और सेम इसी तरीके से लेटेस्ट UI आपको देखने को मिलेगा गेम टर्बो के अंदर, जो कि मैंने अभी फिलहाल एक्टिव कर रखा है अपने CPU थ्रॉटल के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो वॉइस चेंजर, टाइमिंग और बहुत सारे नए लुक में आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। और आप अपने मर्जी के अनुसार यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसे एज अ परफॉर्मेंस और बैलेंस के ऊपर, ताकि आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है परफॉर्मेंस का वो थोड़ा बेटर हो सके और आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सके। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसमें से रूट करना कंपलसरी है, और रूट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार परमिशन देने के बाद मैजिक हाइट को ओपन कर लेना है। इसे जैसे आप ओपन करोगे आपका जो सेफ्टी नेट है वो पास हो जाएगा और आप बैंकिंग के ऐप यूज कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट वॉच करिएगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको फाइल मैनेजर देखने को मिलता है ये लेटेस्ट MIUI 13 वाला अप टू डेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो किस तरीके से लुक नज़र आता है। और यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह के आइकन आपको काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं।
और जब आप इस रोम को इंस्टॉल करोगे आपको यहाँ पे AOD मिसिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे AOD का ऑप्शन है बट ये जो क्लॉक्स वगैरह है ये आपको दिखाई नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन से एक APK डाउनलोड करना है जो कि AOD का है। इसे आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना। फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है, सेकेंड टाइम आपको एरर देखने को मिलेगा। इसलिए फर्स्ट टाइम आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे आपको AOD यानी ऑलवेज ऑन के सारे क्लॉक्स दिखाई दे देंगे, उसके बाद आप इसे यूज कर पाओगे। और रही बात यहाँ पे लिमिटेशन, तो वही आपको 10 सेकेंड का ही लिमिटेशन देखने को मिलता है एज ए ऑफिशियल, तो यहाँ पे एक छोटी सी कमी आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले, साउंड प्रोफाइल, होम सेटिंग्स वगैरह वही सारी चीज़ें देखने को मिलता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन थोड़ा लेटेस्ट वाला देखने को मिल जाता है जो कि सही है। और यहाँ पे जितना भी मैंने यूज़ किया है ना उसके हिसाब से बैटरी सही है, बट जब आप यहाँ पे कुछ हैवी टास्क परफॉर्म करते हो जैसे कि CPU टोटल वगैरह, तो वहाँ पे बैटरी ड्रेन का आपको साइन दिखाई देता है जो कि पहले भी हमें देखने को मिलता था। और यहाँ पे आपको सारे रीजन के सपोर्ट मिलेंगे, तो जो भी आप यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो 3.2 GB फ्री मेमोरी है हमारे 4 GB के अंदर से। और यहाँ पे जो रैम मैनेजमेंट है मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा है, बैलेंस है, ज़्यादा सुपर नहीं कहूँगा ना ही पुअर, लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस रिजल्ट देखने को मिलता है जो कि प्लस पॉइंट है। और एक कमी यहाँ पे मैंने नोटिस किया है जो कि आप फिक्स कर सकते हो एक पैच फ्लैश करके, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो दिया था। इसका जो कैमरा है वो आपको कलरफुल देखने को मिलता है यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ, यानी मैं 0.66 पे जाता हूँ तो सेम ओरिजिनल कलर हमें दिखाई देता है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और मैं 1x पे जाता हूँ यानी मेन कैमरे पे तो कलर का इशू है, कलर चेंज हो जाते हैं, और 2x के ऊपर भी सेम आता है। तो कलर फिक्सिंग का प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा आपके नोट 10 प्रो के अंदर ना कि मैक्स के अंदर, तो उसके लिए एक मॉड्यूल यूज करना होगा जो कि मैंने आपको पहले बताया था, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस किस तरीके से निकल के आता है, तो जैसे आप इसे फ्लैश करोगे आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड नहीं रहता, क्योंकि मैंने बताया ना मैजिक हाइट को आपको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये रहा हमारा यहाँ पे जो कि L1 का सपोर्ट, तो आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज कर पाओगे। और ये है CPU टोटल, जब मैंने रोम को फ्लैश किया मेरा 17 पास नहीं था उस समय का चेक किया हुआ है, और उसके बाद मैंने गेम टोटल के अंदर भी ऐड कर दिया, उसके बाद भी मुझे कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला, काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड था। तो मुझे लगा भाई फर्स्ट टाइम ये आया है तो आई थिंक रोम खराब होगा, परफॉर्मेंस के ऊपर काम किया जाएगा। बट जैसे मैं यहाँ पे 17 वगैरह को पास कर लेता हूँ और कुछ देर यूज कर लेता हूँ, उसके बाद जब मैं इसे चेक करता हूँ तो जो रिजल्ट आता है वो है 94 का, जो कि मुझे अनबिलीवेबल लगा, इतने घटिया स्कोर से ये डायरेक्ट जंप कर जाता है 94 के ऊपर। तो आपको 17 पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ये रोम आपको एक अच्छा सा परफॉर्मेंस दे सके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। रही बात बाकी चीज़ों की, तो ये है हमारा N22 का रिजल्ट जो कि 33 आना चाहिए था बट यहाँ पे 30 है, तो ओवरऑल भी मैं कहूँगा ठीक है, उतना ज़्यादा खराब नहीं है, तो ये चल सकता है। उसके बाद ये है हमारा सिंगल और मल्टी कोर का रिजल्ट जो कि ये भी ओवरऑल काफ़ी सही देखने को हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको फाइनल रिजल्ट और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन एक और मैं यहाँ पे कमी कहना चाहूँगा, अरे भाई जाना हट, जो कमी आप यहाँ पे देख सकते हो आपको BGMI को प्ले करते टाइम देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिलता है अनेबल टू कनेक्ट नेटवर्क। मैंने यहाँ पे है जो एप्लीकेशन वगैरह भी ट्राई किया है और आप फिर से देखना कि क्या शो होता है, तो मे बी ये आपके डिवाइस के लिए काम करे बट मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। और आप भाई लेजेंड हो, लेजेंडरी हो BGMI के अंदर, तो आप आसानी से यहाँ पे यूज कर पाओगे कोई ना कोई ट्रिक अप्लाई करके, बट मैं नॉर्मल यूजर्स हूँ और मुझे ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि ये शायद आपको भी देखने को मिले। तो अगर आप PUBG लवर्स हो, BGMI लवर्स हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा निराशा आने वाला है आप सभी को। तो यही है इसका फाइनल रिजल्ट, लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं हम इसके जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर, ताकि आप इसे इंस्टॉल करना चाहो तो कोई ज़्यादा आपको परेशानी यहाँ पे ना आए। तो यहाँ पे रिकवरी के ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको वाइप पे जाना है, इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप आप हर बार ले लेना क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डिलीट होने वाला है। अब यहाँ पे हम वाइप करेंगे, होम पे जाएंगे, अब फाइल आप देख सकते हो तो ये रहा हमारा EU का 21.9.8, इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड पे टैप करके आपको मैजिक्स को सिलेक्ट कर लेना है, फिर से ऐड पे टैप करके ये सेफ्टीनेट फिक्स जो है रिकवरी इस फाइल को सिलेक्ट करना है और फ्लैश कर देना है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो वॉलपेपर यहाँ पे आपको दिखाई दिया है अगर चाहिए तो इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जहाँ से आप ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आपको होम पे जाना है, वाइप पे जाना है, फॉर्मेट डेटा यस टाइप करके आपको वाइप कर देना है और रिबूट करना है। उसके बाद आपका फ़ोन करीब करीब 5 मिनट के अंदर ऑन हो जाएगा या 10 मिनट भी लग सकता है, और उसके बाद आप सेटअप वगैरह कर सकते हो। AOD का APK आप इंस्टॉल कर लेना और अपने मैजिक मैनेजर को अपडेट करके हाइट को ऑन कर लेना। और अगर आपके पास नोट 10 प्रो है तो कैमरा में जो टिंट कलर का इशू आता है उसके लिए आप कलर फिक्स का पैच डाल लेना, और आपके पास प्रो मैक्स है तो पैच की जरूरत ही नहीं पड़ने वाले। ठीक है, सो बाय। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।